हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जेके नेट ऑफ एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेल। सो यहाँ पर कुछ जीके के ज़रूरी क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करेंगे। आपके आने वाले सभी जो भी एग्ज़ाम है जेके एसएसबी वगैरह वगैरह उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कास्ट की या फिर दूसरे किसी एग्ज़ाम की बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी जनरल अवेयरनेस जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमसे जुड़े जो कि जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी बनते हैं ये क्वेश्चन। हम छोटी सी वीडियो में पूरी वीडियो देखनी आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। आपके अपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है कुछ जीके के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, बालती, पंजाबी, गोजरी और दारती, तो ये कुछ लैंग्वेजेस है जो इस्तेमाल में लाई जाती है, ये जुबान है जो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद टोटल एरिया जो जम्मू कश्मीर का आपको याद रखना कितना है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट 20 हैं, ठीक है ना। नेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव जो है उसका क्या नेचर, यूनिकैमरल है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा की कितनी सीट्स होती हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, 5 हैं, और राज्यसभा की 4 हैं, ठीक है ना। उसके बाद पॉपुलेशन यूनिटरी जम्मू कश्मीर की बात करें तो एस्टिमेटेड लगभग 99,44,283 लगभग 1 करोड़ के इक्वल है, मतलब इक्वल ही मतलब टच कर रहे, ठीक है, अप्रॉक्स। उसके बाद यहाँ पर जो ज़रूरी ज़रूरी हम वो बात कर लेते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 240 पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर अगर हम बात करें तो उसमें 240 लोग रहते हैं, मतलब इस तरह से डेंसिटी की बात करें तो। सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो गांदरबल में सबसे ज़्यादा डेंस जो यहाँ पर गांदरबल है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट जिसमें 1151 यानी कि 1151 पर किलोमीटर में लोग रहते हैं। जम्मू सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो हाई मतलब रेशियो में यहाँ पर जम्मू है, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू है, और लिस्ट सबसे कम जो है रामबन है लिटरेसी रेट में, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो कुलगाम एंड शोपियान जिसमें 951 पर 1000 मेल्स में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बिगेस्ट जम्मू जो है मोस्ट डेंसिटी पॉपुलस टाउन है, ठीक है। अब बिगेस्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चीज़ें अगर देखें हम तो वो हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है बिगेस्ट टाउन की बात करें तो अनंतनाग आता है, सिटी बिगेस्ट जो है वो श्रीनगर है, विलेज की बात करें तो अरनाई जो कि जम्मू में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर में। फ्रेश वाटर लेक जो है वो वोलर लेक है, ठीक है। मॉस्को की बात करें मॉस्को की तो यहाँ पर जामा मस्जिद श्रीनगर जो सबसे बड़ी मस्जिद है जम्मू कश्मीर में। टेंपल की बात करें तो रघुनाथ मंदिर है जम्मू में। हाइडल प्रोजेक्ट की बात करें तो सलाल जो है सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट है। उसके बाद ग्लेशियर्स की बात करें तो कालाहोई सबसे बड़ा है यहाँ पर। उसके बाद लॉन्गेस्ट टनल की बात करें तो नशरी टनल जो है वो सबसे लंबा टनल है, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो चेनाब जो है लॉन्गेस्ट रिवर है जम्मू कश्मीर में। लॉन्गेस्ट हाईवे जो है नेशनल हाईवे, और लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो वुलर लेक ही लॉन्गेस्ट लेक है। उसके बाद कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो द्रास है, ठीक है ना, और डीपेस्ट लेक जो है वो है मनसबल। आपको याद रखना मनसबल जो है वो डीपेस्ट सबसे गहरी लेक है, और सबसे पुराना जो किला है वो है बाहू फोर्ट, ठीक है, बाहू किला जो सबसे पुराना है। और ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो है मोहरा। आपको याद रखना है इनमें से ज़रूर इस बार आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके जेके एसएसबी में जो भी आ रहे हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम जो आप कंडक्ट करें जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। आपको एक नए क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आपको मिलने वाला, तो आप ये बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन कीजिएगा। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है तो रामनगर एक जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। उसके बाद यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सभी क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखने हैं। सो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगने पर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।